वाराणसी में आज गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने स्वावलंबन उत्सव प्रगति उड़ान की एक दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सिडबी के प्रबंध निदेशक मोहम्मद मुस्तफा द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ग्रामीण महिला सूक्ष्म उद्यमियों को अपने हस्तशिल्प उत्पाद एवं व्यापारियों और जनसाधारण को बेचने का अवसर प्राप्त कराना, ताकि उनके बनाए गए उत्पाद लोगों की पहुंच तक आ सके और बल्क में उनको ऑर्डर मिल सके। कार्यक्रम के अवसर पर श्री गोविंद सिंह प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्कर्ष फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने तथा निदेशक उत्कर्ष वेलफेयर फाउंडेशन तथा एचपी माथुर निदेशक उत्कर्ष वेलफेयर फाउंडेशन एवं अग्रणी हितधारक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 500 महिला सूक्ष्म उद्यमियों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प उत्पाद एवं अन्य उत्पाद जैसे जूट की वस्तुएं, काष्ठ शिल्प, मोती की मालाएं आदि शामिल रही। इन महिला सूक्ष्म उद्यमियों ने यूके सरकार और उत्कर्ष वेलफेयर फाउंडेशन के साथ साझेदारी में सिडबी की प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण, हेल्ड होल्डिंग एवं ऋण के और बाजार संपर्क जैसे सहयोग दिए गए। कार्यक्रम में लगाए गए करीब 60 मेलों का उद्घाटन सिडबी के प्रबंध निदेशक मोहम्मद मुस्तफा ने फीता काट कर किया। उसके बाद वह स्टालों पर भी जाकर महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्टों को देखा। दिखाइए सर को बताइए क्या चीज है। जी बहुत समय से वित्त के द्वारा, फंडिंग के द्वारा, लोन के द्वारा जुड़े हुए थे महिलाओं से। जैसे हमने बताया कि 23 लाख महिलाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक है फंडिंग देना और दूसरा है उनको स्किल देना ताकि वो थोड़ा सा अपना काम और अच्छा कर सकें। तो ये प्रोग्राम है जिसमें कि हमारे सहयोगी ने बताया भी कि 9000 महिलाओं जो पहले कुछ काम कर रहे थे उनके यहाँ जुड़े, उनको फर्दर स्किल डेवलपमेंट किया, उनको कैसे उसका बेसिक अकाउंटिंग करना वो बताया, कहाँ वो सामान खरीद सकती हैं वहाँ बताया, कैसे वो सामान बेच सकती हैं और कैसे अपने आप को फर्दर स्किल करके अपना व्यवसाय बढ़ा सकती हैं। तो जो अपलिफ्टमेंट पार्ट है उस पर हमने काफ़ी काम किया है। ये प्रोग्राम खास तौर से दो डिस्ट्रिक्ट में कवर कर रहा था इस टाइम पर, वाराणसी और जौनपुर में। उम्मीद ये करते हैं, और इसमें सिडबी इज़ द लीड एंकर जिन्होंने हमें यू कैन से फंड प्रोवाइड की और हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की और हमें सपोर्ट प्रोवाइड किया कि हाँ कैसे इसको प्रोग्राम को लेके जाना। हमारे पास इन हाउस इसके लिए तकनीक नहीं थी, इसके लिए एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं जो कि हमें मदद करते हैं थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ सिडबी। एंड हम उम्मीद करते हैं कि अगर जैसे सक्सेसफुल हमें दिख रहा प्रोग्राम देख रहे हैं, कोशिश करेंगे हम सिडबी से अनुरोध भी करेंगे कि हम ऐसे प्रोग्राम्स को बड़े स्केल पे और भी डिस्ट्रिक्ट में कवर कर सकें। सर उद्देश्य ये है कि जो लोग बिखरे पड़े हैं कि कोई गाजीपुर किसी गांव में है, कोई ब्लॉक में है, कोई वाराणसी में कहीं पे है, इन सब लोगों को एक जगह पे लाएं। तो हमने 60 स्टॉल लगाए आज की तारीख में, जो उन्होंने सामान बनाया है, चीज़ें बनाई हैं, जो भी नया काम किया है वो उसको आज दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, और जो लोग यहाँ विजिट करेंगे आज वो उसको खरीद सकते हैं या आगे के लिए ऑर्डर भी दे सकते हैं। जी स्वावलंबन जो कार्यक्रम है उसे बहुत तरीके से महिलाओं को भी और अन्य लोगों की मदद करता है। तो जैसे अभी गोविंद सिंह ने आपको बताया, तो ये स्किल का जो प्रोग्राम है सिडबी की मदद से चल रहा है। इसके अलावा सिडबी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाता है, कहीं पे लिटरेसी का चला रहा है, कहीं स्किल का प्रोग्राम चला रहा है। इसके अलावा इस समय आप देखें उत्तर प्रदेश में एक और स्वावलंबन का कार्यक्रम चलता है, अगर आपको मालूम हो एक नंबर है, अगर आप उस नंबर पर कॉल कर देंगे तो उस नंबर पर कॉल करने के बाद खाली आपको मिस कॉल दे के छोड़ देंगे। उसके बाद उधर से कोई कॉल करके आपको पूछेगा कि आप क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कोई अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई तरीका जानना चाहते हैं, उसमें वो फ़ोन फिर आगे उनसे बात करेगा, उनको समझेगा। अगर उनको कोई स्किल चाहिए तो उनको स्किल दिलवाएगा,
उनको कोई बिजनेस प्लान बनवाना है तो वो बनवाएगा, और उनको आखिर तक जब तक उनको फाइनेंसिंग नहीं मिल जाएगी तब तक करता रहेगा। कार्य जो वेंचर कैपिटल में महिलाएं हैं की प्राइवेट इक्विटी, उनके लिए एक अलग से एक मंच बनाया है ताकि इकट्ठा होकर के अपने उसको आगे लेकर के चल सके। इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे जैसे लोन के प्रोग्राम है, उसमें भी लेडीज़ के प्रोग्राम, हर जगह हर प्रोग्राम में महिलाओं पर खास बल है कि उनको आगे बढ़ाए। सर जहाँ तक लोन की बात होती है, तो जब लोन लेने बैंक जाता है तो बैंक कहीं ना कहीं तमाम कागजात और तमाम ऐसी चीज़ें बता देता है जिससे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं वापस आ जाती हैं। इसीलिए मैं बता, इसको भी आसान करने के लिए देखिए सिडबी ने जो है बहुत सारे प्रयास किए हैं। सिडबी ने एक उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया, आप उस पर जाइए, आपको कौन मतलब किस तरह का बिजनेस करना, उसमें 300 से ज़्यादा बिजनेस प्लान बने, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अप्लाई करेंगे। वो प्लान वो है जो बैंकों ने पहले से ही अप्रूव किया हुआ, तो आपका फिर वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि सिडबी ने लॉन्च किया था 59 मिनट में जो लोन मिलता है, वो भी हमारे ही प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। 59 मिनट्स में लोन की अगर बात की जाए तो वाराणसी में क्या स्थिति है उसकी? अगर वाराणसी में एग्जैक्ट मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन वाराणसी इतना मुझे पता है कि यूपी के नंबर 3 सिटीज है, इतना मतलब काफ़ी बड़ी संख्या। अब तक उस पोर्टल में 16,000 करोड़ रुपया दिया जा चुका है पूरे प्रदेश, पूरे देश में, देश में। भावना, आप किस तरह से महिला स्वावलंबन में जुड़ी हुई हैं, क्या कर रहे हैं, शुरुआत किस तरह से किया? मैं यहाँ पे तकरीबन 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया था तो हमारे संग मात्र 8-10 महिलाएं जुड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है ये इसका प्रचार प्रसार बढ़ता गया और ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ जुड़ती चली गईं, और उन्होंने छोटे छोटे अपने जो हाथ के हुनर थे उसको दिखाया, समझा, हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाया। ठीक है, आज हमारे संग जो है करीब करीब 2-3 हज़ार महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे में कितने प्रोडक्ट को आप बनाती हैं और उसकी बिक्री के लिए किस तरह की व्यवस्था करती हैं? देखिए, पहले तो हम अपनी महिलाओं को पहले उनका जो प्रोडक्ट बनाती है उसको देखते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है उनको जो भी ज़रूरतों की जो चीज़ें होती हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो उनका सामानों को सारा जो है हम इस तरीके से स्टॉल लगा के जो गवर्नमेंट हमें सुविधाएं देती हैं वो ठीक है। तो हम जो है गवर्नमेंट सरकार हमारी जो गांव की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, ऐसे जो स्टॉल लगवाती है उनके प्रोडक्ट्स को हम अपने स्टॉल पर रख के सेल करते हैं। और हमारे यहाँ जो ये मेला लगा हुआ है, यहाँ पे विभिन्न प्रांत के लोग आए हुए हैं, उनके प्रोडक्ट को देख रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को लोगों ने पसंद किया है बहुत, ऑर्डर भी दे रहे हैं उसके लिए, जिससे कि हमारी गाँव की महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद मिले। क्या किस तरह लगता नहीं कि इस तरह के मेलों की और ज्यादा जरूरत है? बिल्कुल, ये बात आपने सही कही, मैं यही चाहूंगी सरकार से, मेरी ये विनती है कि इस तरीके के महिलाओं को और मेलों को और लगाएं, ताकि जो हमारी गांव की जो महिलाएं जिनको इसके बारे में पता नहीं है उनको इसके बारे में और जानकारी हो, ज्यादा से ज्यादा वो आगे बढ़े। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। हम दीपा पांडे हैं, 80 से आए। दीपा जी, आप कहाँ पे आई हुई हैं? हम स्वावलंबन मेले में आए हुए हैं। तो जिस तरह से महिलाओं ने अपना प्रोडक्ट लगाया है, कितनी खुशी होती है एक महिला स्वावलंबन की तरफ बढ़ रही, उद्यमी बढ़ रही है, बन रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा, कुछ तो बहुत ही अच्छे आइटम से, अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा लगा। तो आप यहाँ आए, सामान भी आपने खरीदा होगा? हाँ, अभी तो एक ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, खरीदा है और सब देख रहे हैं, जो अच्छा लगेगा जरूर खरीदे। तो जिस तरह से ग्रामीण महिलाएं आज अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला रही है, किस तरह देख रही है कि भारत किस तरफ जा रहा है? उन्नति की तरफ है, हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है, यहाँ भी योगदान बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। घर के साथ और कामकाज में भी लगी है, बाहरी कामकाज, बहुत अच्छी बात है।